हेलो दोस्तों, मैं सौरभ कुमार तिवारी आपका स्वागत करता हूँ ज्ञान वृक्ष लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आज का एक टॉपिक जो कि हर एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रैंकिंग एंड ऑर्डर। तो अब रैंकिंग एंड ऑर्डर में क्या पढ़ा रहा हूँ मैं, वो पहले सुन लें। रैंकिंग एंड ऑर्डर में मैं आज आपके साथ पहले डिस्कस करना चाहता हूँ मैक्सिमम एंड मिनिमम कैसे फाइंड करें, ठीक है। तो अभी हम लोग क्वेश्चन का जो एक प्रैक्टिस होगा, जो एक चैप्टर वाइज होगा, वो हम लोग स्टार्ट करेंगे। बट अभी जो है दो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, है ना। और रही बात इस चैप्टर्स की, तो मैं उसको फिर शुरू से पढ़ाऊँगा, कॉन्सेप्ट से पढ़ाऊँगा। लेकिन यह दो जो मैं अभी आपको जो टाइप बताने वाला हूँ, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी अच्छा है, काफ़ी मज़ा भी आएगा आपको समझने के बाद, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है क्योंकि एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ में आता है। तो आइए देखते हैं कि क्या फाइंड करना है हम लोगों को। तो यहाँ पे है कि ए इज़ 10 फ्रॉम द लेफ्ट एंड बी इज़ 15 फ्रॉम द राइट। इफ़ देयर आर 4 स्टूडेंट्स बिटवीन देम, तो व्हाट कुड बी मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए का जो स्थान है वो बाएँ से 10वां है और बी का दाएँ से 15वां है। इन दोनों के बीच 4 लोग बैठे हैं, तो बताइए कि कम से कम कितने लोग होंगे, इस क्वेश्चन ने पूछा है। अगर मान लो अगर मैक्सिमम भी पूछता तो उसको कैसे फाइंड करते, वो भी चलिए हम लोग देखते हैं। तो मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट को मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए, अगर सिंपल सी पहले बात अगर हम लोग इसी तरह से बनाए, एक बेसिक से बनाए, सबसे पहले चलो देखो बेसिक फंडा ये है कि ये बोला कि ए बाएँ मतलब लेफ्ट से कितना है 10। तो देखो आप कैसे करोगे, इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। मान लो यहाँ पे ए बैठा है, फिर बोला बी राइट से 15th है। अब देखो इधर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। मान लो यहाँ पे यह जो है बी का पोजीशन है, ठीक है। अब ये बोला कि उन दोनों के बीच 4 स्टूडेंट्स बैठे हैं, तो मैं अगर इन दोनों के बीच में देखो 4 स्टूडेंट को बैठा दिया, तो यह जो है टोटल कितने हो जाएंगे ये बताइए। तो इधर कितने हो गए 15, इधर हो गया 10, 25 और 4 कितना हो गया 29, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि हम लोगों ने मैक्सिमम जो है वो एरिया कवर किया। अब देखिए, एक तो मेरा ये वे है, दूसरा हम इसको देखो ऐसे भी सोच सकते थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मान लो इधर से जब आप देख रहे हो तो यह ए का रैंक बाएं से 10वां हो गया, ठीक है। अब ये बोला ए और बी के बीच में 4 लोग हैं, तो देखो ऐसे भी हो सकता है ना कि यहाँ पे देखो 4 लोग लिख दिया और मैं बी का स्थान देखो यहाँ पे इंडिकेट कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे करने का मतलब कि टोटल इधर कितने होना चाहिए 15 है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15, ठीक है। तो देखो जो भी क्वेश्चन जो कह रहा था तो ये तो दोनों में अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कम से कम एरिया कवर किया, ठीक है। तो ये बताइए कि अगर मैंने यहाँ पे 29 दिया या जो कि मैक्सिमम है, इसमें देखो कितने हो जाएंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 4 19, मतलब यहाँ पे एक 19 आया, ठीक है। तो यह तो हुआ कि हम लोग एक बेसिक से बनाएंगे। तो अगर हम लोग ऐसे बनाएंगे तो एग्ज़ाम में बहुत टाइम आपका वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग शॉर्टकट आपको मैं बताता हूँ, शॉर्टकट कैसे आंसर आएगा। तो देखो शॉर्टकट ये है, पहला कि अगर मेरे से मैक्सिमम पूछेगा, ये जो मैं लिख रहा हूँ आप इसको नोट कर लीजिएगा, अगर मैं मैक्सिमम लिखूँगा तो सीधा जितने भी डिजिट पड़े हैं सबको आप ऐड कर दो, मतलब 10 प्लस 15 और प्लस 4 कितना हो गया 29, काम खत्म। अगर आपसे मिनिमम पूछेगा, ठीक है, तो क्या करना कि जो मैक्सिमम है, ठीक है, उसको मैंने यहाँ पे घटा दिया, देखो किससे, बिटवीन मल्टीप्लाई 2 प्लस 2। अब ये कैसे आया मैं आपको बताऊंगा। तो देखो मिनिमम फाइंड करना हो तो मैक्सिमम कितना हो गया दोस्त 29, बिटवीन कितना है तो बिटवीन 4 है, तो 4 का डबल 8 और 8 और 2 कितना हो जाएगा 10 और आंसर आ जाएगा कितना 19। अब देखिए आप इसको चंद सेकंड में बना सकते हैं, देखो कैसे, अगर ये बोला है तो 15 10 25 और 4 29, 29 मतलब 15 प्लस 10 प्लस 4 इक्वल टू 29 हुआ, मतलब ये मैक्सिमम हो गया। मैक्सिमम बस सारे को ऐड कर दो, ठीक है।
और अगर आपसे मिनिमम पूछा है तो देखो ट्रिक्स कैसे अप्लाई करेंगे। यहाँ पे बताओ बिटवीन कितने हैं, फोर हैं, तो इसका आप डबल पहले करो, तो फोर टू जा कितना हो गया एट, और एट प्लस टू कर दीजिए तो कितना हो गया टेन। अब टोटल जो थे कितने थे, मैक्सिमम 29, और 29 में से बस मैं 10 अगर लेस कर देता हूँ तो आंसर आ जाएगा कितना 19। ये आप ऐसे भी मुंहजवानी बना सकते थे, ठीक है। अब देखिए, तो चलिए एक जो है वो ट्रिक्स आप इसको अप्लाई करेंगे, है ना। दूसरा देखो मैं ट्रिक्स लिख देता हूँ, ट्रिक्स नंबर टू यहाँ पे दिख रहा है सर लोग, ठीक है। तो अब देखिए अगर मैं दूसरा अगर ट्रिक्स लिखूं तो देखो एक ये भी आप याद कर लेना कि अगर मुझे मैक्सिमम फाइंड करना है, ठीक है, तो सीधा एल प्लस आर और प्लस बिटवीन, मतलब लेफ्ट प्लस राइट प्लस बिटवीन कर दीजिए, ठीक है। और अगर मिनिमम पूछ रहा है आपसे, ठीक है, अगर आपसे मिनिमम पूछ रहा है तो कुछ ना कीजिए, आप सीधा कीजिए कि एल प्लस आर माइनस बिटवीन प्लस टू, ठीक है। अब देखो ये दो ट्रिक्स है, एक ये कौन से, मतलब मैं आपको इसको तीन तरीकों से मैं बता रहा हूँ, है ना, जो भी तरीका आपको बेहतरीन लगे, लेकिन सबसे बेहतरीन ये तरीका है। ये बस मैंने जो लिखा है बस वही थोड़ा सा लग रहा है, लेकिन कुछ नहीं करना है। मैं अभी आपको तीन चार क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराऊंगा, काफ़ी मज़ा आने वाला है, ठीक है। ये चीज़ें तो पहले आपको समझ में आ गई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए अगर मान लीजिए कि सबसे पहले अब आपको यह भी ध्यान रखना है कि कोई भी मान लो क्वेश्चन दिया है तो किसी क्वेश्चन में आप दोनों चीज फाइंड कर सकते हो, मतलब मैक्सिमम और मिनिमम दोनों। लेकिन कुछ ऐसे भी क्वेश्चन होंगे जिसमें आप मिनिमम फाइंड नहीं कर सकते, सिर्फ आप मैक्सिमम फाइंड कर सकते हो। देखो कैसे, अगर मान लो मैं दे देता हूं कि यहां पे मैंने लिख दिया फाइव, समझना अच्छे से, मैंने लिखा कि ए इज टेंथ फ्रॉम लेफ्ट एंड बी इज फिफ्थ फ्रॉम द राइट, इफ देयर आर फोर स्टूडेंट्स बिटवीन देम व्हाट कुड बी मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन है अपने पास तो देखो क्या करेंगे। अब तुम ऐसे सोचो, ठीक है, यहां मैं डेटा चेंज कर लेता हूं ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। देखो अगर एक स्थान बाएं से दस, देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो पहला एक कॉन्सेप्ट है, और इसमें आप ये देख रहे हैं कि बी का जो स्थान है वह राइट से पांच है, तो देखो इधर 1 2 3 4 5, है ना। अभी मैं मैक्सिमम देखो सोच के चल रहा हूं, दोनों के बीच कितने लोग हैं, चार लोग हैं, तो यहाँ पे मैक्सिमम निकालने के लिए हम लोग अप्लाई करेंगे कि सारे को ऐड कर देंगे, तो कितना हो गया 19, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। मतलब मैक्सिमम में क्या करना है, मैक्सिमम बस सबको ऐड कर दीजिए, आप आंसर आ जाएगा। अब सुनो, अगर मैं यहाँ से मिनिमम पूछता और अगर आप वही ट्रिक्स पे बनाते तो आप गलत हो जाते। देखो कैसे, अगर आप ट्रिक्स पे बनाते हो, देखो 4 2 जा 8 प्लस 10 करते आप तो 19 में से 10 गया तो 9 आ जाता, मतलब कम से कम लोग 9 होंगे। अच्छा यार ये बताओ, जब ए का स्थान एक तरफ से जब 10 है तो क्या कभी 9 होंगे, नहीं, 10 तक हो सकता है, ठीक है ना, कम से कम 10 लोग तो होने ही होने चाहिए। तो अब हमें एग्जाम में कैसे पता चलेगा कि हम कौन सा रूल अप्लाई करें और किस क्वेश्चन में मिनिमम निकलेगा, किस क्वेश्चन में मिनिमम मैक्सिमम दोनों निकलेगा, ठीक है, या फिर किस क्वेश्चन में सिर्फ मैक्सिमम निकलेगा। मिनिमम मैंने गलती से बोल दिया, बस ये क्वेश्चन है कि किस क्वेश्चन में सिर्फ मैक्सिमम निकलेगा और कौन से क्वेश्चन में मैक्सिमम और मिनिमम दोनों निकलेगा। तो देखो अगर देखो मैं यहाँ पे क्लू लिख देता हूँ, अगर बिटवीन की वैल्यू, बिटवीन मतलब जैसे मैं इस क्वेश्चन में फोर की बात कर रहा हूँ, ठीक है, बिटवीन की वैल्यू अगर ज़्यादा हो जाए किससे, जो स्मॉलेस्ट जो संख्या है, मतलब मिनिमम वैल्यू माइनस टू, ये मिनिमम क्या है, तो देखो 10, 5 और 4 हैं तो बिटवीन कितना है 4, और इस 10 और 5 में मिनिमम कितना है 5, तो देखो, तो अगर मैं 5 माइनस टू करूँ तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। इसका मतलब अगर बिटवीन की वैल्यू मिनिमम माइनस टू से ज़्यादा होगा तो उस समय
सिर्फ आपका आंसर मैक्सिमम फाइंड हो सकता है, मिनिमम आप फाइंड नहीं कर सकते। मैं इसको भी एग्जांपल से बताऊंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। दूसरी बात, अगर बिटवीन की वैल्यू छोटी हो, किससे, मिनिमम माइनस टू से, ठीक है, या फिर बिटवीन की वैल्यू इक्वल हो मिनिमम माइनस टू से, तो आप दोनों आंसर फाइंड कर सकते हैं, मैक्सिमम एंड मिनिमम। इस चीज को आप नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है ना। मैंने क्या बोला कि अगर बिटवीन की वैल्यू, देखो बिटवीन की वैल्यू अगर ग्रेटर है मिनिमम माइनस टू से, तो मिनिमम मतलब क्या, यहां पे जो स्मॉलेस्ट जो संख्या है, ठीक है। और देखो बिटवीन छोटा हो या तो इक्वल हो, तो उस समय आप दोनों आंसर निकाल सकते हैं। अब चलिए मैं एक एक करके आपको क्वेश्चन समझाता हूं। अब देखो यहां पे जो क्वेश्चन पड़ा है, तो इसमें आप पहले दिमाग लगाओ कि इसमें क्या आंसर आ सकता है। तो इसमें देखो यह 4 है, 5 माइनस 2 करोगे तो उस समय बिटवीन की वैल्यू ज्यादा हो गई, तो यहां पे सिर्फ एक ही आंसर आ सकता है और वह आ सकता है मैक्सिमम। देखो कैसे, मैं आपको एग्जांपल से भी समझा देता हूं। देखो कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, ठीक है। अब देखो अगर मुझे कम से कम सोचना है, तो मैं इतना में ही पहले काम करना सोचूंगा, ठीक है, कम में ही। तो देखो अगर मैं इसके बीच में चार लोगों को रखता हूं, तो बी को मुझे यहां रखना पड़ेगा, ठीक है। देखो एक का स्थान इधर से 10 है, ठीक है, ए और बी में, मान लो बीच में मैंने अगर चार लोगों को रखा, तो ये भी आपसे बोल रहा है कि बी का स्थान इधर से पांचवा होना चाहिए, फिफ्थ। तो देखो इधर से 1 2 3 4 5 6 हो गया। अगर आप इससे थोड़ा सा भी अगर बी को अगर यहाँ लाते हो, तब तो बीच में तीन ही लोग होंगे, तो बताओ कहीं क्या ये पॉसिबल हो रहे हैं, कहीं मिनिमम जो है आप क्या फाइंड कर पा रहे हो, नहीं फाइंड कर पा रहे हो। तो इसी चीज़ को बस आपको ध्यान से देखना है कि अगर, मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ, अगर बिटवीन की जो वैल्यू है, ठीक है, यहाँ जो छोटा डिजिट है उससे अगर आप माइनस टू करते हो, अगर बिटवीन की वैल्यू ज़्यादा होती है, तो सिर्फ एक ही आंसर आएगा, वो होगा मैक्सिमम, और नहीं आएगा तो दो आंसर होगा, मिनिमम और मैक्सिमम। तो चलिए हम आपको एक दो क्वेश्चन से और समझाते हैं, ताकि आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाए। चलिए तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैंने देखा, दूसरा से चलो स्टार्ट करते हैं। चलिए बच्चों देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, मतलब प्रैक्टिस के लिए। तो देखो अब हमें मान लो एग्जाम में ये क्वेश्चन आया, मैंने आपको सारे कॉन्सेप्ट भी बताए, लेकिन बेसिक से तो बताना नहीं है, बनाना नहीं है, आपको बस ये करना है कि चलो शॉर्टकट कैसे आंसर आ जाए। तो देखिए बस पहले आप बस चेक कर लो, पहले ये बताओ कि इसमें दो आंसर आएंगे कि सिर्फ कोई एक आएगा, एक मतलब या सिर्फ हम लोग मैक्सिमम निकाल सकते हैं कि दोनों निकाल सकते हैं। तो देखो क्या करो, यहाँ पे बिटवीन में कितने हैं, देखो चेक कैसे करेंगे। तो आप देख रहे हो कि बिटवीन की जो वैल्यू है वो कितनी है, 4 है, ठीक है, और 10 और 6 में जो रैंक जो कम है वो कितना है, 6 है। तो 6 माइनस 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ की जो वैल्यू है वो इक्वल हो गई। तो देखो मैंने भी लिखा था कि अगर बिटवीन की वैल्यू छोटी या फिर इक्वल हो जाए, तो हम लोग दोनों आंसर फाइंड कर सकते हैं। तो देखो आंसर कैसे फाइंड करेंगे, आराम से देखिए। सीधा अगर मान लो मेरे से मैक्सिमम पूछा होता, तो हम सीधा क्या करते, 10 + 6 + 4 आंसर हो जाता 20, ठीक है। अगर मान लो मिनिमम पूछता, तो आप आंसर कैसे बनाते, देखो सीधा बस ये करो कि जो मैक्सिमम है माइनस कर देते किससे, जो भी अगर आपके पास जो छोटी वैल्यू है, ठीक है, स्मॉलेस्ट वैल्यू है, इसको मैं मल्टीप्लाई 2 और प्लस 2 कर देता। देखो कैसे बनाता, मैक्सिमम कितना है 20, माइनस बीच में कितने हैं 4, तो 4 2 8 + 2 कितना हो जाता 10, और इक्वल टू आप आंसर लिख देते कितना 10। देख रहे हो ना कि यहाँ पे अगर इक्वल आया तो दोनों वैल्यू आप फाइंड कर पाए, ठीक है। अब देखो शॉर्टकट में ऐसे ही 4 2 8 + 2 10 हो गया। अगर आप इसकी 6 है, 6 में से अगर आप 2 लेस करते हो तो सिर्फ 4 ही होगा, जो कि इक्वल हो गया। तो इक्वल हो मतलब अगर बिटवीन की वैल्यू
या तो बराबर हो या तो छोटा हो, किससे, जो यहाँ स्मॉलेस्ट नंबर दिया गया है उससे, तो उस कंडीशन में आपके दोनों आंसर आएंगे, मिनिमम और मैक्सिमम। तो चलिए अब इसका अब आंसर क्या करेंगे हम लोग। तो हो गया, बन गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, तो बस कैसे बनाएंगे, मान लो कर दे दिया 20, ये कितना है 10 है, ये कितना है 4 है, तो यहाँ पे जो बिटवीन की वैल्यू है वो है 4, ठीक है, और 20 और 10 में छोटा वैल्यू क्या है 10, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप 10 में से 2 लेस करोगे तो 8 होगा, मतलब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे या जो 4 है मतलब बिटवीन की वैल्यू है वो बड़ा नहीं है, मतलब वो छोटा हो गया। तो मैंने बोला कि अगर बराबर या छोटा हो जाए तो दो आंसर निकाले जा सकते हैं। तो चलो देखो कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग अगर मैक्सिमम निकालने बोल दे तो ऐड कर दो, तो कितना हो जाएगा 20, 10, 30 और 4 34। अब मैं शॉर्टकट बना, मिनिमम बोले तो क्या करोगे, ये टोटल 34 था तो इसका डबल करो, 4 2 जाए 8 और 2 10, ठीक है, तो 34 में से 10 का कितना हो गया 24, सही आंसर कितना हो जाएगा 24। क्या ये बात समझ में आई। अब देखिए अगर अब ऐसे सोचो कि अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 5 लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैंने 4 लिख दिया, ओके। अब यहाँ पे आप देखिए कि ये जो बिटवीन की जो वैल्यू है वो है 4, 20 और 5 में छोटी वैल्यू कौन सी है 5, 5 में से 2 अगर आप लेस करें तो कितना आ जाएगा 3, तो आप यहाँ पे ध्यान दे रहे हो कि बिटवीन जो है वह बड़ा हो गया, तो बिटवीन अगर बड़ा हो जाएगा तो आंसर सिर्फ एक ही होगा, ठीक है। तो देखो कैसे बनाएंगे इसको, सीधी सी बात, मैक्सिमम बोला तो जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 29, मिनिमम बोला तो नहीं आंसर आएगा, ठीक है। देखो कैसे नहीं आएगा, मैं एक्सप्लेन कर, देखो जैसे मान लो 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जैसे मान लो 20 है, इधर से आप ए का रैंक देख रहे हैं 20 है, ठीक है, और बी राइट से कितना है 5 है, और मुझे मान लो कम से कम सोचना है, और बीच में देखो 4 लोग हैं। देखो यहाँ पे मैं अगर 4 लोग लेता हूँ, बी को अगर आप यहाँ बैठाते भी हो तो देखो 1 2 3 4 5 6 पोजीशन आ गया, अगर आप बी को और इधर ले जाते हो तो बीच में मात्र 3 ही लोग आएंगे, है ना। तो देख रहे हो यहाँ पे पॉसिबल हो रहा है मिनिमम, नहीं, तो हमें लगता है कि अब आप ये जज कर लोगे कि एक ही आंसर मैक्सिमम कब आएगा, जब मैं लास्ट टाइम में बोल देता हूँ कि जब बिटवीन की वैल्यू अधिक हो जाती है ना, यहाँ पे दिए गए जो डिजिट है उसमें अगर मैं 2 लेस कर देता हूँ, है ना, उससे अगर ये ज़्यादा होता है तो मैक्सिमम सिर्फ आंसर होगा, जैसा अभी आप ये एग्जांपल देख रहे हो। और मैंने फिर ये बताया कि मान लो अगर मैंने यहाँ 15 लिख दिया उस कंडीशन में, ठीक है, इसी पे ध्यान देना, यहाँ मैंने मान लो यहाँ मैंने 15 लिख दिया, तो बस ये देखो कि ये 4 है बिटवीन में और 15 में से 2 लेस करें तो कितना आ जाएगा 13, तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं आप कि यहाँ पे बिटवीन छोटा हो जा रहा है, तो आप दो आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। कैसे, मान लो अगर यही क्वेश्चन होगा तो कैसे, 20 15 35 और 4 39, मतलब मैक्सिमम जो है वह हो गया 39, अगर आपसे मिनिमम पूछेगा तो ये 39 तो है, शॉर्टकट सीखो, 4 2 जा 8 प्लस 2 यानी 10 हो गया, तो 10 लेस कर दो तो कितना हो जाएगा 29, ठीक है। ये बहुत ही बेहतरीन शॉर्टकट था, है ना, अगर आपको अच्छा लगे तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए, है ना। अगर इसके बावजूद भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप हमारे एक ईमेल आईडी है उस पर आप मैसेज कर सकते हैं, ST6447@gmail.com पे, ठीक है। ज़रूर अगर कोई भी क्वेरी, अगर कोई भी डाउट होता है तो आप ज़रूर पूछें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।